ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई लोकल ट्रेन से हर रोज़ करीब 80 लाख लोग सफ़र करते हैं, मगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं उनके लिए ये लोकल ट्रेन का सफ़र आखिरी सफ़र साबित होता है। ऐसे ही कल रात कल्याण से CST की तरफ जाने वाली लोकल ट्रेन से मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास एक यात्री गिर गया और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। ये घटना कल रात करीब 10:30 बजे के आसपास हुई है। मुंब्रा रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन छूटने के बाद करीब स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर लोकल ट्रेन के गेट पर खड़ा एक करीब 35 वर्षीय व्यक्ति अचानक ट्रेन से नीचे गिर गया और कुछ लोगों ने ट्रेन से इस व्यक्ति को गिरते हुए देखा और इसकी जानकारी मुंब्रा RPF को दी गई। ऐसा बताया जा रहा है कि गेट पर खड़े इस व्यक्ति का पैर फिसलने की वजह से वो चलती हुई लोकल ट्रेन से ट्रेन के नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसका सिर कट गया। फिलहाल RPF ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक इस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। इसके पास से कोई भी ID प्रूफ नहीं मिला है जिसकी वजह से इस व्यक्ति की पहचान हो सके। इसी तरह लोकल ट्रेनों से हर रोज़ करीब 10 से 12 लोगों की मौत होती है, जिनमें से कुछ लोगों को स्टंटबाजी करने की वजह से हादसे का शिकार होना पड़ता है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।